बिगास्ट टेक का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साउंड बॉक्स अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इसके साथ ये जो साउंड बॉक्स हमने लिए हैं कितना पैसा में लिए हैं और इसका पर मंथ कितना रेंट करने वाले हैं, ये डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। थंबनेल देख के बहुत सारे लोगों को पता लग गया है जो मैंने कितना रेंट पे ये वाला प्रोडक्ट हमने लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा पेटीएम बिजनेस अकाउंट और इसमें आप देख सकते हैं इधर जो रेंट लिखा हुआ है 15 रुपया पर मंथ है, बट ये तो 15 रुपया पर मंथ रेंट दिखा रहा है। मैंने इसके पहले ये जो प्रोडक्ट जब खरीदे थे इसको ऑर्डर करने के टाइम पे हमने इसको 1 रुपया पर मंथ रेंट करके खरीदे हैं। बहुत सारा अकाउंट का यूजर में आपको क्या करना है, चेक करना है। इधर ये जो साउंड बॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में जाके इधर साउंड बॉक्स वाला जो ऑप्शन दिखाई देते हैं इधर आपको आना है। आने के बाद इधर आपको चेक कर लेना है जो आपको 1 रुपया वाला रेंट में कोई साउंड बॉक्स दिखाई दे रहा है कि नहीं। कोई साउंड बॉक्स 1 रुपया में दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा अकाउंट में ये ऑफर है और बहुत कम यूजर को ये मिला है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। हमारा अकाउंट पे मैंने जब ऑर्डर किया था तब हमको 1 रुपया रेंट पे हमने ऑर्डर किया था, बट अभी वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये ऑर्डर कर लिए है। मैं आपको बताऊंगा तो इधर 3 डॉट में जाने के बाद मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में चले जाता हूँ, माई ऑर्डर पे जाता हूँ। माई ऑर्डर पे जाने के बाद इधर देखिए मैं मर्चेंट स्टोर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये साउंड बॉक्स है, हमने इसको खरीदे जो है 3.0 का साउंड बॉक्स है जो 4G में आते हैं और 18 दिसंबर पे ये डिलीवर हो चुका है। मैंने आज इस पैकेट को अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके साथ मैं आपको इसका डिटेल्स दिखाऊंगा। तो एक मिनट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस कुछ सर्वर इशू की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ टाइम अभी प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये जो प्रोडक्ट है ये हमको 1 रुपया रेंट पे मिला है, 1 रुपया से मैं खरीदा हूँ और 1 रुपया रेंट पे मिला है। पर महीना 1 रुपया करके देना पड़ेगा। बहुत सारा यूजर का भी ये ऑफर मिला है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। तो आपको ये इधर आपको स्टोर पे जाना है, इधर जो साउंड बॉक्स वाला सेक्शन है इधर आपको जाना है। जाने के बाद आपको उधर ऑप्शन बहुत सारा टाइप का साउंड बॉक्स इधर दिखाई देगा और उसके साइड में ना आपको रेंट दिखाई देगा। तो वो रेंट आप देख लीजिए जो 1 रुपया में कोई है कि नहीं। और 15 रुपया वाला जो मिला है वो भी बहुत कम है, वो भी आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा इधर अभी 15 रुपया करके दिखा रहा है। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है ये डिलीवरी कुरियर से हमको मिला है। ये देखिए मैं आपको बताऊंगा, तो टोटल मिला के जो इधर बैलेंस दिखा रहा है 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ आप देख सकते हैं। ये पेटीएम की तरफ से इनवॉइस है, टोटल जो है 2 रुपीज़ है। और इधर हमारा ये जो है इधर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस पे हमारा आया है और 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी पेटीएम का जो प्राइवेट नेम है वो इधर आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको कर देते हैं साइट पे। क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। और ये है स्टैंडी जिसमें QR कोड लगा हुआ है और ये जो QR कोड है मैपिंग करके आए हैं। इधर बैंक वॉलेट लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड और UPI एंड एनी ऐप। देखिए ये जो PVC भेजे है ना ये बहुत बढ़िया क्वालिटी लगा हमको और ऊपर में जो स्टिकर लगा हुआ है ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी लग रहा है हमको। तो चलिए इसको करते हैं साइड में। अभी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये है एयरटेल का सिम इसमें लगा हुआ है और ये एक बॉक्स मिला है हमको। चलिए इसको करते हैं साइट और क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलता है ये आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। ये है मेन चीज़ हमारा जो साउंड बॉक्स, इसमें आपका इधर से ये साउंड आएगा। तो चलिए आप लोगों को डिटेल्स दिखाएंगे और क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। ये देखिए ये पेटीएम की तरफ से एक यूजर मैनुअल मिला है जिससे आप कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर केयर के साथ बात कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स इसमें है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
तो चलिए इसको करते हैं साइड में। और क्या है, और ये जो है एयरटेल की जो सिम इसके अंदर है, एयरटेल का सिम, इसका पैकेटिंग दिया है। तो सारा चीज़ इसके अंदर क्या क्या था मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए इसको कर देते हैं साइट। अभी टिक्स बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है एक बार हम लोग देख लेंगे। ये देखिए बॉक्स के अंदर एक चार्जर मिला है। चार्जर के बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ये जो चार्जर आप देख रहे हैं इनपुट जो लेता है 110 से 240 वोल्ट तक, और आउटपुट जो देता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और इसका जो सॉकेट है ये देख सकते हैं, ये टाइप सी में है। अभी चार्जर को करते हैं साइट। अभी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों ये है आपका मेन प्रोडक्ट जो साउंड बॉक्स पेटीएम की तरफ से आते हैं। इधर देखिए पेटीएम की ब्रांड है, थोड़ा घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ। इधर टाइप सी सॉकेट दिया हुआ है आपका डिवाइस को चार्ज करने के लिए। इधर स्पीकर है, और इस साइड में मैं आपको बात करूंगा तो ये पावर ऑन करने के लिए ये स्विच है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है। और ये इधर एक लाइट दिखाई दे रहा है, शायद आपको आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो लाइट है आपका, ये लाइट इंडिकेट करता है बहुत सारा कुछ, आपका जो सिम लगा हुआ है वो सिम में टावर कनेक्ट हुआ है कि नहीं, उसके बाद स्पीकर ऑन है कि नहीं, ये सारा कुछ बताते हैं। चलिए अभी इसको हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले मैं आपको इधर बताना चाहता हूँ, इधर देखिए कुछ डिटेल्स देके रखे हैं, नाम देके रखे हैं, मॉडल नंबर देके रखे हैं कंपनी ने। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है ना ये बहुत टाइट है, हमारा जो नैप था उसको देखे हमने उठा लिया। ये देखिए इधर सिम है, आपका सिम कार्ड लगा हुआ है। तो चलिए इसको अभी हम लोग लगा देते हैं, बट ये जो पार्ट है बहुत टाइट है तो मैं नॉर्मली इसको ओपन नहीं कर पाया हूँ। इसको लगा देते हैं इधर, हाँ ये लग गया है। ऑन करने से पहले ये जो आपको खुला हुआ मिलेगा इसको लगाना है। किस तरफ से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो खाप देख रहे हैं ना, इसको आपको इसी तरफ से इस साइड में जो सॉकेट है इसके साथ उठा के आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के, आपको दोनों के साथ मैचिंग करके ये लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका लग गया है। अभी कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरफ से बैठे रहेगा। तो अभी इसका पावर है हम लोग ऑन कर देते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर चार्ज है कि नहीं। पावर ऑन हो चुका है। पेटीएम करो, हाँ पेटीएम करो। ये जब आप ऑन करेंगे इस तरफ का साउंड आएगा। इधर देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हम एक पेमेंट डाल करके दिखाएंगे जो कैसे ये चलता है। जब आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के टाइम में ये क्या होगा, कुछ ग्रीन टाइप का चलेगा, उसके बाद ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद ये जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये बताएगा जो डिवाइस एक्टिवेटेड जो आपने सुना है। तो चलिए मैं अभी एक बार पेमेंट करके दिखाता हूँ। बहुत दिन पहले एक बार हम इसको एक्टिव किए थे, अभी इसका प्रोसेस चेंज हो चुका है। चलिए अभी एक रुपया पेमेंट करके देखते हैं जो कैसे ये बताते हैं। तो ये देखिए ये बता दिए हैं। तो मैं आपको ये जो स्विच है ना, ये स्विच जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद जब आप लास्ट पेमेंट सुनना चाहते हैं तो अभी इसको पेश कर सकते हैं। इस तरफ से आप अपना लास्ट पेमेंट को भी सुन सकते हैं और वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं। वॉल्यूम अभी मैक्सिमम है, आप ये माइनस बटन प्रेस करके आप इसका साउंड भी कम कर सकते हैं। देखिए साउंड, ये जो टिट टिट करके जो आवाज आ रहा है, बीप आवाज आ रहा है, ये बीप आवाज कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे में कम होते जा रहा है। इसी तरफ से आप अपना एक पेटीएम बिजनेस साउंड बॉक्स सेटअप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये जो है मैक्सिमम इसका जो चार्जिंग करने के बाद, एक बार बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 7 दिन तक ये चलता है। और इसके अंदर 4G सिम लगा हुआ है और टोटल मिला के आप इसको 11 लैंग्वेज में ये आपको मिलता है। बट जब आप ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के टाइम पे जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे डिफॉल्ट वही लैंग्वेज आएगा आपके पास। इस तरफ से आप अपना पेटीएम बिजनेस साउंड बॉक्स को सेटअप कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं।
वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।